चलिए अब कुछ और दर्शकों के भी सवाल हैं जो ईमेल के जरिए आए, उन्हें शामिल करते हैं फटाफट। पहला सवाल जो ईमेल के जरिए हमने शामिल किया है वो विशाल का। विशाल जी ने पूछा था पर्सनल लोन के बारे में, एलिजिबिलिटी जानना चाह रहे हैं। साफ जैसे इनकी सैलरी से लग रहा है काफी कम इनकी सैलरी है, टैक्सेबल भी नहीं है, यही इनका क्वेश्चन है कि क्या मुझे इस सैलरी पर पर्सनल लोन मिल पाएगा। पल्लवी, जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है, जो लेंडर है उसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अगर आपका जैसे 12,000 रुपये का इनकम बता रहे हैं, आपकी इनकम भी सब्सटेंशिएट नहीं होती, आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे, तो 12,000 की सैलरी पे मेरे को लगता नहीं कि आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। हो सकता है आप कोऑपरेटिव बैंक आपके एरिया में हो, उनको अप्रोच करें, आपको जानते हो, आपकी पर्सनल डीलिंग वगैरह हो, तो मिल जाएगा। पर मेरा सुझाव रहेगा कि पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 22-24% के आसपास रहती है। तो अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी रखने को, जैसे यूनिट्स है, NSE वगैरह है, कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें सरेंडर वैल्यू अच्छी हो गई है, या गोल्ड वगैरह भी, अगर इवन आप गोल्ड लोन लेंगे तो भी आपको सस्ता मिलेगा। तो अगर आपके पास अगर और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है तो आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। आपको लोन अगर जरूरत है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी के सामने सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए, जिससे आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपेरेटिवली चीप रहेगी। ओके तो विशाल, आपने जैसे बोला था ITR भी आप नहीं भरते हैं तो इसलिए पर्सनल लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन लेने की आप सोच सकते हैं। आज का आखिरी सवाल शामिल करेंगे।